सुप्रीम कोर्ट में आए दिन दो मैटर्स काफी हाइलाइटेड है। पहला तो है आर्जिकर केस से जुड़ा हुआ, जिसकी सुनवाई सीजीआई डीवाई चंद्रचूर कर रही है, और इस मामले की मेन हियरिंग अब 9 सितंबर को होगी, जिसमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि अब तक सीबीआई ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन खत्म की है या नहीं। और दूसरा मामला है पर्सनल लिबर्टी का, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का केस भी शामिल है। कितने समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन को वापस से अपनाया है, जिसका नतीजा ये है कि आए दिन वे कई लोगों को बेल देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रैक्टिस से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि बेल की मांग करते हुए लोगों को उनके पास आना पड़ रहा है, इसके बावजूद कि सेशंस और हाईकोर्ट दोनों के पास बेल मैटर्स में कंकरेंट जुरिसडिक्शन है। अभी मामले जहां सुलझ रहे हैं, वहीं कितने समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट और बीजेपी पार्टी से जुड़े प्लीज पहुंचे हैं, जो कहीं न कहीं पीएम नरेंद्र मोदी की रूलिंग पार्टी को टारगेट करते हैं। लेकिन इस मामले में एक पलट जवाब देते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, हम आगे देखेंगे। तो पहले बात करते हैं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जिसने कि बीजेपी को टारगेट किया है। असल में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस विक्रम नाथ और पीबी वार्ले के सामने इस पीआईएल के पिटिशनर जयंत विपाद पहुंचे थे, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक इंजंक्शन की मांग की थी, ताकि उन्हें लोटस सिंबल यूज करने से रोका जा सके। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोच भी रहे होंगे कि भला ये कैसी डिमांड पिटिशनर की है, तो आपको बता दें कि इस लॉजिक के पीछे उन्होंने कहा है कि जब लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, तो ऐसे नेशनल इम्पोर्टेंस के सिंबल को एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे असाइन किया जा सकता है। ऐसे आपको ध्यान भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार और ऐसी ही एक प्ली आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा हैंड सिंबल पे, जिसमें कहा जा रहा था कि बॉडी पार्ट्स एज अ सिंबल यूज करना काफी गलत है। वो मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ही था, जिन्होंने उसे डिसमिस किया था, और कुछ ऐसा ही इस केस में भी जस्टिसेस विक्रम नाथ और पीबी वार्ले द्वारा देखा गया था, जिन्होंने पिटिशनर को फटकारते हुए स्टेट किया, यू वांट नेम एंड फेम फॉर योरसेल्फ एंड आल्सो वांट टू गिव अस द फेम एज वेल, लुक एट द प्ली, व्हाट इज द रिलीफ क्लेम्ड बाय यू। अब जहां ये प्ली डिसमिस हुई है और सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट से जुड़ी दिखी थी, वहीं एक दूसरे केस में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सीधे सीधे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दे दिया है। असल में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये आई, जिसने जांच की मांग की थी अगेंस्ट सेवरल मीडिया हाउसेस फॉर ब्रॉडकास्टिंग एग्जिट पोल्स एंड एलिजेडली मिसलीडिंग द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। मिसलीडिंग एग्जिट पोल्स के डेटा दिखाने की वजह से स्टॉक मार्केट पर एक बहुत बुरा असर पड़ा था, जब 4 जून को असली डेटा सामने आए थे और जिसकी वजह से करीबन ₹31 लाख करोड़ का पब्लिक लॉस हुआ है। प्ली ने सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, सेबी और न जाने कितने और एजेंसी द्वारा जांच की मांग की थी। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पीआईएल से काफी नाराज दिखे और फटकारते हुए कहा, द गवर्नमेंट इज नाउ ऑलरेडी इलेक्टेड, लेट्स नाउ क्लोज ऑफ द सेगा ऑफ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड गेट ऑन विद द गवर्नेंस इन द कंट्री, द इलेक्शन कमीशन विल हैंडल इट एंड वी विल नॉट रन द ईसीआई, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। जिसके साथ ही उन्होंने इस प्ली को भी डिसमिस कर दिया। एक नजर डाले तो ये सारी बातें ईसीआई के डोमेन में आती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े मैटर से डील करने का। और हमने कई ही केसेस में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ईसीआई के वर्किंग में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहती है। ऐसे आपको डिटेल में बता दें कि इस प्ली में इस बात पर फोकस था कि मीडिया हाउसेस का ये कंडक्ट साफ तौर पर इन वायलेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस था। इट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट सच एन अलेज्ड मैनिपुलेशन ऑफ एग्जिट पोल्स हिंडर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड रूल ऑफ लॉ। अब जहां ये सब बात इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में थी, वहीं एक नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी के लोटस सिंबल के खिलाफ फाइल्ड पीआईएल पर, जिसके पिटिशनर 2022 से ही केस को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। द पिटिशनर जयंत विपाट इन 2022 हैड मूव्ड सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन क्लेमिंग दैट द बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू ड्रॉ बेनिफिट्स व्हिच आर अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। सिर्फ यही नहीं, बल्कि विपट ने कुछ डायरेक्शंस की भी मांग की थी, ताकि पार्टी को मिले जा रहे बेनिफिट्स को भी रोका जाए। फॉर अडॉप्टिंग पॉलिसीज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कमिटमेंट मेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ नेशनल पार्टी। हालांकि इस सूट को सिविल कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2023 में डिसमिस कर दिया गया था ओवर टेक्निकल ग्राउंड्स, जिसके बाद उन्होंने बिना हार माने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन जिन्होंने भी कुछ समय बाद इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इन मार्च दिस ईयर मद्रास हाईकोर्ट हैड आल्सो डिसमिस्ड अ सिमिलर प्ली फाइल्ड बाय 1T रमेश सीकिंग डायरेक्शंस टू द ईसीआई टू कैंसिल द अलॉटमेंट ऑफ द लोटस फ्लावर सिंबल टू द बीजेपी। इन प्लीज के अलावा हमने आपको INC के हैंड जेस्चर के खिलाफ भी एक केस की बात बताई थी, तो चलिए उसे भी डिटेल में देख लेते हैं। ये प्ली सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजी गई थी लिस्ट करने के
लिए वही बॉडी पार्ट्स को रिसेंबल करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स पर पिटिशनर ने ये भी कहा था कि उन्होंने अब तक कई कंप्लेंट्स फाइल की है और ईसीआई के इनएक्शन की वजह से उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा है। द प्ली फाइल थ्रू एडवोकेट ओम प्रकाश पड़िहर कॉल्ड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड वेदर ईसीआई कैन अलॉट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एज सिंबल्स एंड वेदर सच अलॉटमेंट वायलेट्स आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। और जिसके साथ ही प्ली में मेंशन था कि ऐसा करना ईसीआई के एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सख्त खिलाफ है एंड स्टेटेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्लियरली डिस्क्राइब्स द सेसेशन ऑफ इलेक्शन कैंपेन बिफोर 48 आवर्स ऑफ द पोलिंग एंड सेक्शन 130 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 बैन्स एग्जिबिशन ऑफ द इलेक्शन सिंबल विद इन 100 मीटर्स पेरिफेरी ऑन पोलिंग डे एंड देयरफॉर सम सिंबल्स व्हिच रिसेंबल्स और इज आइडेंटिकल विद द ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन नॉट बी हिडन and can be misused by exhibition of such human body part. इस मामले में पिटिशनर की भी कुछ मांगे थी जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। इशू डायरेक्शन डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू रिमूव फ्रीज एंड कैंसिल सच इलेक्शन सिंबल व्हिच रिसेंबल्स लुक सिमिलर टू और इज आइडेंटिकल विद द ह्यूमन बॉडी पार्ट। इशू सच अदर अप्रोप्रिएट रिट और डायरेक्शन दैट मे बी डीम्ड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शॉक होते हुए कहा भी था कि व्हाट काइंड ऑफ अ पिटिशन इज दिस, यू कैन नॉट हैव एन आई, यू कैन नॉट हैव अ नोज, यू कैन नॉट हैव अ हैंड, द पर्पस ऑफ दिस इज टू गेट रिड ऑफ द हैंड सिंबल ओनली, डिसमिस्ड। अब जहां ईसीआई के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे थे तो उस समय ईवीएम के मामले में भी ईसीआई के खिलाफ एक दूसरी प्ली ने वापस से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसमें अब ईवीएम मैनिपुलेशन में एक हाई पावर्ड कमेटी बैठा कर जाँच की मांग की गयी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस प्ली में एक जाँच ईसीआई के खिलाफ भी मांगी गयी थी उन केसेस में जहाँ ईसीआई ने फास्ट एक्शन नहीं लिया था और काम टालने की कोशिश की थी। जब ये केस जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुवन की बेंच के सामने लिस्ट हुआ तो वे सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद ये मसला किसी और बेंच के पास जाए तो सही रहेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच की बात कर रही थी जिन्होंने कुछ महीने पहले ही ईवीएम से जुड़े केसेस में अपना फैसला सुनाया था और 100% क्रॉस वेरिफिकेशन से मना किया था। जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पर स्टेट किया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वी डायरेक्ट द रजिस्ट्री दैट दिस मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता वो अर्लियर हर्ड द मैटर एंड गेव द जजमेंट सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस। पर बात वही है कि ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगते हैं जिसकी वजह से ही वे आए दिन इसे डिसमिस कर देते हैं। तो देखना अब ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का गलत इस्तेमाल कब बंद होता है। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।